गुड आफ्टरनून, मैं मनीष रेलीगेट डीजीपे से। आज हम सीखेंगे कि रेलीगेट डीजीपे से आप रिचार्जेस, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, ई पैन, एपीएस विड्रॉल्स, बिल पेमेंट्स, बस टिकट एंड आप एनपीएस जैसी सर्विसेज का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। और हम इंस्टेंट कमीशन देते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे रेलीगेट डीजीपे। जब आप गूगल पे रेलीगेट डीजीपे टाइप करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा dgpay.religareonline.com। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसे विंडो एक ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा बेस्ट रिचार्जेस, डीएमटी, आधार, विड्रॉल्स, माइक्रो एटीएम सर्विसेज हमारे पास उपलब्ध हैं और भी सर्विसेज भविष्य में हमारे पास आने वाली हैं। तो क्लिक करेंगे लॉगिन पे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा रेड कलर में लॉगिन आएगा। इस लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि 00 में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यूजर नेम, पासवर्ड में नीचे पासवर्ड डालना है। ऐसे करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी मांगेगा, अगर पहले लॉगिन करा आपने तो ओटीपी नहीं मांगेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से विंडो आपको ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें दो वॉलेट दिख रहे हैं, वॉलेट 1 एंड वॉलेट 2, जैसे कि रेड कलर में आपको दिख भी रहे हैं। और वॉलेट 2, वॉलेट 1 में जैसे कि आप रिचार्जेस, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, ई पैन जैसी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं, वॉलेट 1 से पैसा कटेगा। और वॉलेट 2 का मतलब है एपीएस विड्रॉल सर्विसेज के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एपीएस और माइक्रो एटीएम का जो भी विड्रॉल होगा वो वॉलेट 2 से होगा। विड्रॉल मतलब जो भी ग्राहक आपके पास पैसा निकालने के लिए आएगा उसकी डिटेल्स, उसका जो मनी है कमीशन के साथ वॉलेट 2 में आएगा आपको, ठीक है जी। और मनी ट्रांसफर, रिचार्जेस, बिल पेमेंट, ई पैन, बस टिकट, ए टिकट जैसी जो भी सर्विसेज हैं आपकी, बिल पेमेंट्स जो भी सर्विस, उनका पैसा कटेगा वॉलेट 1 से, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल अकाउंट्स को। ये वर्चुअल अकाउंट आपको येलो कलर में दिख भी रहा है। इस वर्चुअल अकाउंट को, जैसे कि RLGP41 आगे आपका मोबाइल नंबर है, इस वर्चुअल अकाउंट को आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में रजिस्टर्ड कर लीजिए। IFSC कोड लिखा हुआ है नीचे और कंपनी का नाम भी लिखा है, रेलीगेट ब्रोकिंग्स लिमिटेड। तो ये अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में आप इसको ऐड बेनिफिशियरी में ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे पैसा ट्रांसफर करेंगे तुरंत वॉलेट 1 पे पैसा आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स में पैसा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, इसे हम ऑटोमेशन कहते हैं, राइट। नीचे आता है लोड मनी का। अगर किसी ने मैनुअली रेलीगेट के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है तो लोड मनी पे क्लिक करेंगे, जैसे कि रेड कलर में दिख रहा है आपको। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कीजिए कि आपने पैसा कैसे डाला है, UPI से या फिर IMPS या NEFT के थ्रू। वहाँ UTR नंबर डालना है, डेट एंड टाइम डालना है, अपने बैंक का नाम डालना है और अटैचमेंट लगानी है। विद इन 10 मिनट्स में पैसा आपके वॉलेट 1 पे आ जाएगा, जो कि आप अपनी प्रीपेड सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, DMT, रिचार्जेस, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, ई पैन, बस टिकट, ए टिकट के लिए, ठीक है जी। तो जैसे कि न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी रेलीगेट में नए ऑफर्स आते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती है। जैसे कि हमने यस्टरडे ही ए टिकट लॉन्च करा तो उसके लिए जो भी ऑफर्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका डैशबोर्ड जिसपे हम सारी सर्विसेज दिखते हैं, रिचार्जेस, मनी ट्रांसफर 1, मनी ट्रांसफर 2, APS, बिल पेमेंट्स, बस टिकट, पैन कार्ड, NPS और रिपोर्ट का ऑप्शन है। अकाउंट्स में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सपोर्ट में नीचे। आप सपोर्ट कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करके जान सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी है, अगर कोई असुविधा हो तो mymoney@religate.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। ये मेल ID मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड कलर में दिख रही होगी आपको। दूसरा, सबसे पहले हम ऑप्शन पे आएंगे कि मोबाइल रिचार्ज कैसे किया जाए, इस पोर्टल को यूज़ कैसे करना है। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रिचार्ज पे क्लिक किया आपने, मोबाइल रिचार्ज पे आ गए। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है ग्राहक का, अमाउंट डालना है जितने का रिचार्ज करना है, ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आपका ऑपरेटर है। टीपिन बाई डिफॉल्ट टीपिन 1234 होता है। अकाउंट्स में जाके आप टीपिन चेंज भी कर सकते हैं, राइट। बाई डिफॉल्ट 1234 रहता है। तो टीपिन डाला, रिचार्ज पे क्लिक करेंगे यहाँ और सक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप DTH का रिचार्ज कर सकते हैं। DTH में सब्सक्राइब ID या BC ID आप डालिए, राइट, अमाउंट डालिए, ऑपरेटर डालिए और टीपिन डालिए 1234 बाय डिफॉल्ट होता है ये। इसे आप रीसेट भी कर सकते हैं अकाउंट्स की ऑप्शन में जाके यहाँ पर। तो इस रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से रिचार्ज हो जाएगा। पोस्टपेड बिल का ऑप्शन यहाँ अभी है लेकिन अभी ये लाइव नहीं हुआ। पोस्टपेड बिल जो है आप बिल पेमेंट से पे कर सकते हैं,
भविष्य में अगर ये लाइव यहाँ से पोस्टपेड बिल पे कर सकते हैं, अगर भविष्य में ये ऑप्शन लाइव होता है तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि पोस्टपेड नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है और नीचे टी पिन डालना है, क्लिक करेंगे पोस्टपेड बिल यहाँ से पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिचार्जेस कर सकते हैं। दूसरा आता है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर का मतलब होता है जब भी कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, उसे अपने घर पैसे भेजने हैं, तो उसे मनी ट्रांसफर कहते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। भारत में कहीं भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली, IMPS, राइट। तो सबसे पहले ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, आप उससे अपना ग्राहक का मोबाइल नंबर पूछेंगे। मोबाइल नंबर जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ग्राहक अपना मोबाइल नंबर बताएगा और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे ग्राहक का, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP आप वेरीफाइड करेंगे, जैसे कि वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ दिख भी रहा है आपको, वेरीफाइड का, इस पर क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से विंडो आ जाएगी, ऐड बेनिफिशियरी के लिए कहेगा। पहली बार जो ग्राहक आएगा उसका बैंक अकाउंट ऐड बेनिफिशियरी करना होगा, लेकिन अगर अगली बार सेम ग्राहक आता है, उससे मोबाइल नंबर मांगिए, अपने आप बैंक अकाउंट ये पिकअप कर लेगा। तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ बैंक का नाम उसके पूछना है, हाँ आपको अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डालिए और गेट नेम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का नेम यहाँ आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा आपको कि ग्राहक का बैंक अकाउंट सही है या गलत बता रहा वो, इस प्रकार से। जब आप ऐड कर देंगे तो बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी एक नवीन गुप्ता ऐड बेनिफिशियरी ऐड है, और अगर मुझे नवीन गुप्ता को पैसे भेजने हैं, तो उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी क्लिक करने के बाद मुझे ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ट्रांसफर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ फिल हो जाएंगे। फिर आप IMPS सेलेक्ट कीजिए, पैसे डालिए, टी पिन डालिए 1 2 3 4 और सबमिट कीजिए, पैसे आपके वॉलेट वन से कटेंगे, ग्राहक के अकाउंट नंबर पे चले जाएंगे तुरंत। तो इस प्रकार से मनी ट्रांसफर 1 और 2 की फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सर्विस है, इंस्टेंट कमीशन आता है। उसके बाद आता है आपका APS। APS का मतलब होता है जिन भी ग्राहकों के आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक हैं, तो वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं APS के मीडियम से, माध्यम से, राइट। तो कैसे करना है ये आपको बता देता हूँ। APS ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये APS ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे पहले आता है विड्रॉल, किसी को अगर पैसे निकालने हैं ग्राहक को, तो कैश विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप माउस से। उसके बाद उसका बैंक का नाम आप पूछेंगे, ड्रॉप डाउन में सर्च करेंगे, जैसे स्टेट बैंक का तो SBI सर्च करना है, उससे उसका आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर ग्राहक का ही डालना है, नोटिस किया गया है, बहुत सारे टेलर अपना ही नंबर डाल देते हैं या कोई रॉन्ग नंबर डाल देते हैं, बैंक इसको ऑडिट करता है, तो मेक श्योर मोबाइल नंबर में केवल कस्टमर का नंबर ही डालना है, क्योंकि आप कस्टमर का विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक इसको ऑडिट करता है। उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट कीजिए नीचे से, या मैनुअली डाल सकते हैं, बायोमेट्रिक मंत्रा या मॉर्फो लिखा हुआ है यहाँ, मंत्रा या मॉर्फो दोनों में से कोई भी, और नीचे दोनों ऑप्शन टिक करने हैं, बोथ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी, टिक करने हैं ये। जैसे आप टिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर बनाएगा स्कैन योर फिंगर, तो कस्टमर की फिंगर स्कैन करनी है, कमीशन के साथ पैसा तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप ग्राहक को कैश पे कर देंगे। ये है APS विड्रॉल सर्विस, पैसे निकालने वाली सर्विस, ठीक है जी। दूसरा आता है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी मतलब पैसा चेक करना, तो सिमिलर है, बैंक का नाम डालिए ग्राहक का, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए ग्राहक का, बायोमेट्रिक सेलेक्ट करना, मंत्रा या मॉर्फो दोनों ऑप्शन टिक करने हैं, और आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि इस ग्राहक उसकी, फिर राइट हैंड साइड पे यहाँ फिंगर स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, फिंगर स्कैन कीजिए, विद इन सेकेंड्स में आपको यहाँ विंडो पे दिख जाएगा ग्राहक के कितने पैसे हैं उसके खाते में। मिनी स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, सिमिलर वे है, ग्राहक का बैंक अकाउंट नेम डालिए, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए ग्राहक का, और बायोमेट्रिक मंत्रा या मॉर्फो सेलेक्ट करें, दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, और राइट हैंड साइड पे फिंगर का स्कैन का ऑप्शन आएगा, स्कैन कीजिए, मिनी स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है बिल पेमेंट्स। बिल पेमेंट्स मतलब इस बिल पेमेंट्स ऑप्शन में हमारे पास बताना चाहूँगा, 300 से प्लस बिलर्स रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मैं एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, बिल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किसी ग्राहक को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना आपकी दुकान पर आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ वो सर्च के ऑप्शन में दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम आप सर्च कीजिए, राइट। जब आप सर्च करेंगे, राइट, तो जैसे कि मान लेते हैं अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डालना है या मीटर नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पेमेंट मोड केवल वॉलेट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि वॉलेट वन से पैसा कटेगा,
टीपिन डालेंगे 1234 बाई डिफॉल्ट है, इसे चेंज भी कर सकते हैं टीपिन को आप यहां पर जाके अकाउंट्स के ऑप्शन में, और फेच बिल करेंगे पेमेंट वॉलेट वन से कटेगा और कस्टमर का बिल पेमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे बिल बिलर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ब्रॉडबैंड, केबल, क्लब्स, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट, फास्टैग, गैसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, और नीचे वाटर बिल्स भी आएगा और उसके बाद पोस्टपेड बिल्स भी आएगा। तो 300 से ज़्यादा बिलर्स हमें हमारे पास रजिस्टर्ड है, ये और भी बढ़ जाएंगे भविष्य में, ठीक है जी। इस प्रकार से फेच बिल पे क्लिक करना है, जैसे कि कंज्यूमर नंबर डालना है या मीटर नंबर, तो बिल पेमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद आता है बस टिकट। बस टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। बस टिकट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आप बस पकड़ेंगे वो डेस्टिनेशन सर्च कीजिए, जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन डालिए, डिपार्चर डेट डालिए जिस दिन आपको जाना है, सर्च बस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना नाम, एज, एक आईडी प्रूफ नंबर लगेगा, एड्रेस डालना है, और फिर पेमेंट मोड वॉलेट सेलेक्ट कीजिए, बस की टिकट बुक हो जाएगी, वॉलेट वन से आपका पैसा कटेगा। तो बहुत ही सिंपल है बस टिकट बुक करना। फिर से बता देता हूँ आपको, फ्रॉम कहाँ से बस पकड़ेंगे टू जहाँ जाना है, जिस डेट जाना है वो डेट डालिए, सर्च बस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से बस टिकट बुक कर सकते हैं। पैन कार्ड सर्विसेज, ई पैन बनाते हैं हम यहाँ से, विद इन 2 आवर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है, और यदि उस पैन कार्ड बनाने के दौरान एक ऑप्शन आता है कि फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए, तो आपके आधार कार्ड एड्रेस पे ई पैन तो आएगा ही आएगा, आधार कार्ड के एड्रेस पे आपको फिजिकल पैन कार्ड भी पहुंच जाता है, राइट। तो कैसे बनाना है, पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेंट टाइप करना आपको, यहाँ ड्रॉप डाउन में एप्लीकेंट आप सेलेक्ट कीजिए, कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, पैन कौन सा चाहिए ये सेलेक्ट कीजिए, जिसको बनाना है उसकी पूरी पर्सनल डिटेल डालिए, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, टाइटल श्री मिस्टर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और जो पैन कार्ड पे नाम चाहिए वो डालिए आप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और प्लेस जहाँ से पैन कार्ड बना लें, मान लेते हैं आप पैन कार्ड अगर इंदौर से बना रहे हैं तो इंदौर लिखिए, दिल्ली बना रहे हैं दिल्ली, नोएडा तो नोएडा, यहाँ प्लेस डालिए, सबमिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे NSDL के पेज पे, राइट। NSDL के पेज पे आधार नंबर डालना, अपने आप सारी डिटेल्स वो सर्च कर लेता आधार नंबर से। उसके बाद आप AQ कोड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ऑप्शन आएगा कि माता जी का नाम चाहिए पैन कार्ड पे या पिताजी का नाम, वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन देगा वो कि फिजिकल पैन कार्ड भी चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड, अगर टिक कर देंगे तो घर भी पैन कार्ड पहुंच जाएगा, मेल आईडी पे भी आ जाएगा, अगर वो टिक नहीं किया तो मेल आईडी पे ही आएगा। उसके बाद ऑप्शन देगा लास्ट में कि आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो OTP बेस्ड बना लीजिए, अगर नहीं है तो आप फिंगर स्कैन करके बना लीजिए। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, मंत्रा मॉर्फो वहाँ वर्क करता है, दोनों ही सिलेक्ट करने हैं, और फिंगर स्कैन करके बनाइए या OTP बेस पे बना लीजिए। इस प्रकार से पैन कार्ड बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास APS सेटलमेंट, सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, APS सेटलमेंट। बहुत सारे रिटेलर्स हमसे पूछते हैं कि हम वॉलेट टू में पैसा तो हम ले आ गया कि हमने वॉलेट टू में पैसा विड्रॉल तो कर लिया बहुत सारे ग्राहकों का, इस पैसे को हम कमीशन के साथ जो पैसा आया है वॉलेट टू में, इसे अब हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। सबसे लास्ट का ऑप्शन आता है सपोर्ट का, जैसे कि रेड कलर में दिख भी रहा है, और उसके बाद आता है APS सेटलमेंट, जैसे ये दिख रहा है आपको, सपोर्ट के बाद APS सेटलमेंट पे क्लिक करना है, तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 प्लस कमीशन है आपका, और आप पूरा पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना ऐड बैंक कीजिए, अपने बैंक का नाम डालिए, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, जिस नेम से रिटेलर है वही नेम होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट उसी के नाम पर होने चाहिए, अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, ऐड बैंक करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आपको ऐसे दिख जाएंगे जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद ट्रांसफर टू बैंक पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है क्लिक ऑन ट्रांसफर बैंक, तो यहाँ पर आप ट्रांसफर टू बैंक पे क्लिक करेंगे, और फिर जो बैंक यहाँ ऐड किया वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में, मान लेते हैं SBI करा तो SBI सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अमाउंट डालिए जितना आप चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ट्रांसफर करेंगे तुरंत IMPS, हर घंटे हम IMPS फ्री सेटलमेंट करते हैं, हर घंटे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 o'clock के बाद नेक्स्ट डे 10 बजे पैसा आता है, तो हर घंटे हम फ्री IMPS करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है जी। और थोड़े दिनों बाद ऑटोमेशन की फैसिलिटी भी चालू हो जाएगी, मतलब IMPS की वो फैसिलिटी भी हम लाइव कर देंगे, तो कभी भी आप अपना पैसा ले सकते हैं। तो जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे,
फ्री आईएमपीएस हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है, उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में जो भी आप बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं मनी ट्रांसफर का किया तो डीएमटी रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं डेट सेलेक्ट करके। एईपीएस का बिजनेस कर रहे हैं तो एईपीएस डेट सेलेक्ट करके एईपीएस की रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। बीबीपीएस की ट्रांजेक्शन है तो बीबीपीएस ट्रांजेक्शन स्टेटस में जाके, बस टिकट है तो बस टिकट का। पैन कार्ड रिपोर्ट, पैन कार्ड में जाके चेक कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग अलग हमने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपने किस प्रोडक्ट में कितनी सेल करी है, चेक कर सकते हैं डेट सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये था आपका रेलिगेट डीजीपे का ट्रेनिंग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कोई असुविधा हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो और ट्रेनिंग चाहता है तो हम आपको ट्रेनिंग आपके सिस्टम पे भी दे सकते हैं एनी डेस्क लेके। आप मेल कीजिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख के mymoney@relegate.com पे मेल कीजिए और हम आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं mymoney@relegate.com पे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखिए और अपना कंसर्न लिख सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं, जरूर उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।